हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं जो है फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन पर हम लोग जो है पिछले वीडियो पर चर्चा कर चुके हैं। अभी कुछ टॉपिक इस पर बच गया था, कुछ कॉन्सेप्ट हम नहीं बता पाए थे पिछली वीडियो में, तो जो है हम इस वीडियो में बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाता चलूँगा, बस आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। तो बिना देर किए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब जो हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ एन ऑपरेटर ऑफ। ठीक है, आपको कहीं कहीं भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऑफ। जैसे सेवन अपान, एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, सेवन अपान फाइव ऑफ वन अपान टू। ओके, तो ऑफ का मतलब भी होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम बता देते हूँ फटाफट में। ऑपरेटर आप फटाफट इस पर एग्जांपल देखिए आप लोग। फर्स्ट एग्जांपल मान लीजिए सेवन अपॉन थ्री ऑफ फोर अपॉन फाइव। ओके दोस्तों, तो आपका मतलब भी मल्टीप्लीकेशन ही होता है, तो इसको हम लोग कर देंगे सेवन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई फोर अपॉन फाइव। तो अब देखिए इसमें कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, क्रॉस डिवाइड भी नहीं हो रहा है और ऐसे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, सेवन फोर जै 28, थ्री फाइव जै 50, इसका ये आंसर आ गया, यही ऑफ होता है। ठीक है, अब चाहे जितना भी बड़ा फ्रैक्शन रहे, ऑफ लगा रहे, टू अपॉन थ्री ऑफ, सिक्स अपॉन फाइव ऑफ, सेवन अपॉन टू। ओके दोस्तों, तो चलिए अब देखिए इसको भी ऐसे ही आप वाला ऑपरेटर को भी ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिक्स अपॉन फाइव मल्टीप्लाई सेवन अपॉन टू। अब देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो है सबके, अगर सभी फ्रैक्शन के बीच मल्टीप्लीकेशन है तो जो है हम लोग क्रॉस डिवीजन, चाहे जितना भी लंबा फ्रैक्शन रहे, हम लोग उसको कर सकते हैं। अब इस न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, चाहे यहाँ से यहाँ पे कहीं पे भी रहें। अब देखिए थ्री से सिक्स भी डिवाइड हो जा रहा है, थ्री टू जा सिक्स, यहाँ पे वन आ गया, अब सिक्स। अब देखिए ऐसे जो है ना बहुत इजी हो जाता है मल्टीप्लीकेशन। यहाँ भी वन आ गया है, बस बचा है टू और सेवन, टू सेवन जब 14। अब जो का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो नंबर में चेंज कोई नहीं होगा, तो बस आ गया यहाँ पे 14, नीचे आ गया फाइव, क्योंकि वन 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 हो गया तो फाइव आ गया, 14/5। तो बस ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इस पर दो एग्जांपल काफ़ी है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला ऑपरेटर हम लोग पढ़ेंगे जो है, ठीक है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। ठीक है, हम लोग जो है फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि वीडियो को हमेशा पूरा देखा करिए, क्योंकि जो है मैं रोज़ नए नए कॉन्सेप्ट पर चर्चा करता हूँ, रोज़ नए नए कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करिए और जो एक लाइक तो ज़रूर करके जाया करिए। दोस्तों हम इतनी मेहनत करते हैं, बस आपसे एक ही उम्मीद करते हैं कि आप लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ना चाहते हैं उनको भी शेयर करिए, ताकि वो भी देख के कुछ सीख सके। और जो है मैथ के ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे मैं मैथ के हर कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट पर जो है चर्चा करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन पर कुछ एग्जांपल देके मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन इज ए इंटरचेंज,
इन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर विथ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विथ न्यूमरेटर, ठीक है। रेसिप्रोकल जो है किसी भी फ्रैक्शन का, उसके जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज करना होता है, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, ठीक है। तो यही जो होता है रेसिप्रोकल होता है फ्रैक्शन का। अब देखिए रेसिप्रोकल ऑफ वन इज वन, वन का रेसिप्रोकल, क्योंकि वन को जो है हम लोग वन अपन वन लिखेंगे, उसका रेसिप्रोकल भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे जाएगा तो वन ही रहेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे जाएगा तब भी वन ही रहेगा। देखिए इस पर एग्जांपल मैं बता देता हूँ। अब एग्जांपल देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ थ्री अपॉन फोर इज थ्री अपॉन फोर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो थ्री अपॉन फोर का रेसिप्रोकल फोर अपॉन थ्री, ठीक है दोस्तों। तो यही होता है रेसिप्रोकल। अब देखिए रेसिप्रोकल ऑफ, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यहाँ पे वही सेम है, रेसिप्रोकल ऑफ फिर वन अपॉन टू, फिर वन अपॉन टू का रेसिप्रोकल आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाएगा चेंज और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे, यही इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। यही होता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का। अब देखिए इस पर कुछ और है जो है मैं बता देता हूँ। द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। जीरो का रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जीरो तो जीरो ही रहता है। जीरो का जीरो अपान जीरो करेंगे, फिर उसको जो इंटरचेंज करेंगे, जीरो अपान जीरो जीरो, जीरो की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यही जो है, अब वन का भी रेसिप्रोकल जो है वन अपान वन करेंगे, अब जो है वन को न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर तब भी वन अपान वन ही रहेगा। तो यही हो गया रेसिप्रोकल। बस दोस्तों रेसिप्रोकल पर इतना ही है, यही जो है रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। बस उसको जो है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, यही जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन कोई भी आप लोग ले सकते हैं, जो है रेसिप्रोकल ऑफ थ्री इज, ठीक है। थ्री थ्री को जो हम लोग थ्री अपान वन लिख सकते हैं, तो इसका जो है रेसिप्रोकल वन अपान थ्री हो जाएगा। तो ये होता है रेसिप्रोकल। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बाकी हम लोग जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, जो है फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।